बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं गोभी की भुजिया। ये हमने 4 चम्मच आटा, 1 चम्मच हल्दी और हसबे जायका नमक लिया है। इसको मिक्स किया अच्छी तरह से। अब हम इसमें गोभी को डुबा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। इसको हम फिर ऑयल में डालेंगे और थोड़ा ब्राउन करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अब इसको सबको लगा लिया हमने, गोभी को हल्दी नमक और 4 चम्मच आटे की। ठीक है, अभी हम इसको डालें। ये देखें जी, हमारी गोभी ब्राउन हो गई है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं और इसमें हम फिर प्याज डालेंगे और टमाटर मसाला बनाएंगे। ये हमने इसमें ऑयल में टमाटर और प्याज डाल दिया है। इनको थोड़ा पकाएंगे, फिर इसमें लहसुन अदरक डालेंगे और फिर दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये डाल दिया हमने लहसुन अदरक। ये सारी चीज़ें एक साथ मसाला बन जाएगा, भून लेंगे इनको। और थोड़ी सी कलवंजी भी डालेंगे इसके अंदर। कलौंजी भी डाल दिया हमने। ठीक है, ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है अच्छी तरह से। हमने इसको भून लिया, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे शिमला और आलू। ठीक है, तो
थोड़ा सा आलू पका लेंगे उसके बाद, क्योंकि शिमला फिर एकदम गल जाती हैं। ये खड़ी खड़ी सब्ज़ी रखनी है हमने, ये समझो शिमला आलू और फूल गोभी है, और दूसरी चीज़ें डालनी है इसके अंदर। थोड़ा आलू को गला लेंगे, फिर इसमें शिमला डालेंगे और फिर एंड में फूल गोभी डालेंगे। ये आलू गलने के लिए थोड़ा पानी डाला है, आलू नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसमें शिमला डालेंगे, और ये हमने एक चम्मच इसमें हींग का पानी भी डालेंगे। ठीक है, और ये हमारी काली मिर्चें और साबुत धनिया पिसा हुआ। ठीक है, लाल मिर्च हमने इसमें नहीं डाली। सब बहन भाई खाना खाने के बाद गुड़ ज़रूर इस्तेमाल किया करें, खाना हज़म होता है, और जो लोग खाने के बाद गुड़ इस्तेमाल करते हैं उनको कभी ज़िंदगी में फालिज नहीं होता। ये हमारे आलू आप बॉयल हो गए हैं, हाफ गल गए हैं यानी, अब हम इसमें गोभी और शिमला डालेंगे और इनको दम पे पकाएंगे। ये देखें जी हमारी गोभी की भुजिया तैयार हो गई है, ये देखें सब्जी जो है ना खड़ी खड़ी है, इसको हमने दम पे गलाया है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया, ये देखें जी हमारी मज़ेदार लजीजम लजीज गोभी की भुजिया और तंदूर की रोटी, आप भी ये बनाएं और खाएं, बहुत मज़ेदार बनती है ये गोभी की भुजिया।